हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ निधि, आप सबका वेलकम करती हूँ निधि किचन लाइफस्टाइल चैनल पे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, सब सुरक्षित होंगे। आज की ये वीडियो बहुत ही खास है। ना ही मैं आंवला इस्तेमाल करने वाली हूँ, ना ही इंडिगो, ना ही मेहंदी। बहुत ही ईजी है, लेकिन इसमें एक खास चीज़ मैं ऐड करने वाली हूँ। दोस्तों, जो खास चीज़ मैं ऐड करने वाली हूँ ना, इससे आपके सफ़ेद बाल बिल्कुल जड़ से काले हो जाएंगे, बाल घने और मजबूत होंगे। इसके बाद आपको कोई भी शैम्पू लगाने की जरूरत, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पास ही दिखेगा एक छोटा सा बेल बटन, उसे दबाना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आते रहेगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपको एक क्लीन बाउल लेना है और यहाँ पे एक चम्मच इतना मैं लेने वाली हूँ ये पाउडर, लाल पाउडर। इसे बोलते हैं रतन जोत पाउडर। दोस्तों, रतन जोत एक ऐसा लकड़ी है जो कि आपके सफ़ेद बालों को बिल्कुल ब्लैक बना देता है, बहुत ही अच्छा सा नेचुरल कलर देता है। दोस्तों, मैं इस लकड़ी को घर पे ही ग्राइंड करके पाउडर बना लेती हूँ, वैसे आपको पाउडर ईजिली मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ बहेरा, ईजिली आपको किसी भी बंसारी शॉप पर मिल जाएगा, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। दोस्तों, ये आपके बालों को जड़ से मजबूत बनाता है, काला बनाने में हेल्प करता है, तो एक चम्मच इतना मैं ये भी ले ली हूँ। बस इन दोनों को अच्छी तरह से आपको मिक्स करना है। दोस्तों, ये रेमेडी बहुत ही इजी है, लेकिन आपको रिजल्ट ये 100% देने वाला है। मैं अपनी मम्मी के बालों पे इस्तेमाल की थी और मुझे इसका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन लगा। अब मैं यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच इतना नारियल का तेल ऐड करूँगी, यानी कि कोकोनट ऑयल। आप इसके जगह पे आप कैस्टर ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, बादाम का तेल भी ऐड कर सकते हैं। बस इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मैं और तेल का इस्तेमाल कर लूँगी। दोस्तों, ये तेल हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये बालों पे नरिशमेंट लेके आता है, नारियल का तेल। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि नारियल का तेल हम सदियों से चला आ रहा है, हमारे सफ़ेद होने की जो बालों की प्रक्रिया है ना, इसे ये स्टॉप भी करता है। तो इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी एलोवेरा जेल। आप चाहे तो अब घर के जो लीफ आते हैं ना, बस उसे भी आप पीस के यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे मार्केट वाली एलोवेरा जेल को ऐड करने वाली हूँ, 1 चम्मच इतना। एलोवेरा जेल तो आप ऐसे भी लगाएंगे, आपके बालों पे बहुत अच्छा काम करता है, तो 1 चम्मच इतना मैं यहाँ पे पतंजलि का एलोवेरा जेल ऐड कर दूंगी। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। इसके बाद बस एक और इन्ग्रीडियंट मुझे ऐड करना है। वीडियो पे बने रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। बस इन सबको मिक्स कर देना है। दोस्तों, ये जो रेमेडी बनके रेडी होता है ना, ये आपको इंस्टेंट बना के अपने बालों के ऊपर अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए अपने बालों पर रहने दीजिएगा। दोस्तों, बहुत अच्छा कलर आता है। अब मैं यहाँ पे ऐड करने वाली हूँ शैम्पू। जो भी आप रेगुलर बेसिस पे शैम्पू ऐड करते हैं ना, बस वही आपको यहाँ पे ऐड कर देना है, 1 चम्मच इतना। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। दोस्तों, आप चाहे तो आप शैम्पू को स्किप भी कर सकते हैं, नेक्स्ट डे भी आप शैम्पू कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर 1 चम्मच इतना शैम्पू आप ऐड कर देंगे तो फिर आपको और बालों पे कुछ भी कंडीशनर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाल सिल्की एंड शाइनी भी हो जाएंगे। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और ये रेमेडी बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। तो दोस्तों, अगर बहुत ज़्यादा सफ़ेद बाल है तो हफ्ते में 2 से 3 बार इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। अगर कम सफ़ेद बाल है तो हफ्ते में 1 बार ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। और मैं आपको एक बात बता देती हूँ, यहाँ पे जो भी इंग्रेडिएंट है ये सब केमिकल फ्री है, तो किसी भी एज वाले लोग इसे लगा सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।